गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा? अपना ख्याल रखना है हमेशा, और ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है अपना। तो बच्चे, आज की क्लास हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 से, एंड द नेम ऑफ आर चैप्टर इज़ आर फूड। आज इसका हम पार्ट 1 करेंगे। आप अभी सब ना छोटे छोटे बच्चे हो, आपको खाना बहुत अच्छा लगता है, और आज का चैप्टर हमारा खाने से ही रिलेटेड है। हम बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसे खाना चाहिए, और कौन सा फूड हमारे लिए यूजफुल है। बच्चे, हमेशा की तरह आज भी हम अपनी क्लास शुरू करेंगे मोटिवेशनल कोट से, और यहाँ पे लिखा है, यू कैन लर्न समथिंग न्यू एवरी डे इफ़ यू लिसन। हम हर रोज़ कुछ नया सीख सकते हैं अगर हम चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं। और आपके वीडियो लेसन में भी यही है बच्चे, अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको जो मैम वीडियो लेसन में नई नई चीज़ें बताते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है। इससे आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और आपकी नॉलेज भी काफ़ी इंक्रीज होगी। बच्चे, दिस इज़ द इमेज ऑफ चैप्टर 4 आर फूड। हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे वार्म अप एक्टिविटी से, विच इज़ ऑन पेज नंबर 18 ऑफ योर बुक। इस एक्टिविटी में अलका नाम की एक गर्ल है, इसको हमने, इसके एप्पल सामने दिख रहा है वहाँ तक रास्ता देना है, इसको वहाँ तक पहुँचाना है। इस एक्टिविटी में आप एक गेम भी करते हो बेटा कि यू विल फाइंड द वे, है ना, और दूसरा एक मैसेज भी है कि वी शुड इंक्लूड एप्पल्स, वी शुड इंक्लूड फ्रूट्स इन आर डेली मील्स। न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर आर, नंबर 1, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या होती हैं बेटा? सब्जियाँ जो हम हर रोज़ खाते हैं। और वेजिटेबल्स के स्पेलिंग क्या है? VEGETABLES, वेजिटेबल्स। नंबर 2 पे है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? रक्षा करना, PROTECT, प्रोटेक्ट। नंबर 3 इज़ एनर्जी, ENERGY, एनर्जी का मतलब होता है ताकत, जो आप खाना खाने के बाद आपको मिलती है। नंबर 4 बिल्ड, BUILD, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज़ का बनाना उसको हम बोलते हैं बिल्ड। नंबर 5 हैबिट्स, HABITS, हैबिट्स। हैबिट्स क्या होती हैं? हमारी आदतें। तो ये आपके न्यू वर्ड्स हैं चैप्टर 4 के, इनको आपको अपनी EVS की कॉपी में लिखना है। बेटा, लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ चैप्टर 4। वी ऑल नीड फूड टू लिव। हमें सबको ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, हम बिना खाने के नहीं रह सकते, और फूड ही है, खाना ही है जो हमें हेल्दी और फिट रखता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें पौधों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वीट, अनाज, राइस, चावल, मेज़, मक्का, पल्सेस, दालें, चने, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमें प्लांट से ही मिलती हैं। प्लांट्स की ही तरह हमें एनिमल से भी फूड मिलता है। हमें क्या क्या मिलता है एनिमल से? मिल्क काउ से मिलता है, मीट जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो फ्लैश खाते हैं एनिमल्स का, एग हम खाते हैं, और हनी जो हमें हनी बी से मिलता है। ये सारी चीज़ें होती हैं हमें एनिमल्स से ही मिलती हैं। वेजिटेरियंस कौन से लोग होते हैं? पीपल हु ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस ओनली, जो लोग सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्राम्स, सिर्फ यही चीज़ें खाते हैं, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। इनको हिंदी में हम बोलते हैं शाकाहारी। नॉन वेजिटेरियंस कौन से लोग होते हैं? पीपल हु ईट मीट, फिश एंड एग्स, जो लोग मांस, मछली, अंडा खाते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस। बच्चे, हेयर आर द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है वो चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लेते हैं दूध, जो हमें एनिमल से मिलता है, है ना। दूध से ही कर्ड बनती है, घी बनता है, बटर बनता है, ये भी हमारे खाने की चीज़ें हैं। और जो हमारे एग्स होते हैं वो हमें हेन से मिलते हैं, हम बहुत लोग एग खाना पसंद करते हैं। और बेटे, ये है हनी, हनी भी हमें बी से मिलता है, हनी बी से मिलता है। तो हमारी बहुत सारी खाने की चीज़ें जो होती हैं वो हमें एनिमल से मिलती हैं। और आपको पता है मिल्क और मिल्क से जो चीज़ें बनती हैं
वो सारी बॉडी बिल्डिंग फूड होता है जिससे हमारी बोन्स स्ट्रोंग होती हैं, हम ग्रो करते हैं। तो ये थी चीज़ें जो हमें एनिमल से मिलती हैं, खाने की चीज़ें। देखिए बच्चे, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ मैम ने बहुत सारी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, इन सब की शॉप लगाई है। आप हंसोगे कि मैम ने ये इतना सारा क्या रख दिया। तो बच्चे, हेयर इन दिस ट्रे यू कैन सी दैट फ्रूट्स आर देयर, फ्रूट्स रखे हुए हैं। फ्रूट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव फूड होता है। और आपको पता है, ये जो फ्रूट होता है ये हमें प्लांट से मिलता है। जो चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं उनमें फ्रूट्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, मसाले जिनसे मम्मा टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है, और हमारी वेजिटेबल्स होती हैं। ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। इवन आपकी दाल, चावल, चीनी, ये सब भी हमें प्लांट से मिलते हैं। और ये जो फ्रूट्स होते हैं ये हमारी बॉडी को किसी भी बीमारी से बचाते हैं। हमें फ्रूट्स को धो के वॉश करके खाना चाहिए। और बच्चे, हमें हमेशा सीजनल फ्रूट ही खाना चाहिए। फिर बच्चे, स्पाइसेस होती हैं, स्पाइसेस हमारे खाने को टेस्टी बनाती हैं और ये भी हमें प्लांट से मिलती हैं। हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स भी हमें प्लांट से मिलती हैं। हमें हर वेजिटेबल को पकाने से पहले उसको वॉश करना चाहिए। बेटा, मैम अब आपको ना रॉ फूड एंड कुक्ड फूड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। हम यहाँ पे फ्रूट्स देख रहे हैं, फ्रूट्स रॉ फूड होता है। फ्रूट को हमें खाने से पहले पकाने की ज़रूरत नहीं होती, देर इज़ नो नीड टू कुक फूड बिफोर ईटिंग। ठीक है, हम इसको, फ्रूट को हम पकाते नहीं हैं खाने से पहले, हम इसको वॉश करते हैं और हम इजीली खा लेते हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए बच्चे, यहाँ पे हमारे इस बाउल में कुकुम्बर है, कुकुम्बर को हम वॉश करते हैं, खा लेते हैं। टमाटो हैं, टमाटो को भी हम वॉश करके भी खाते हैं और हम इसको एज ए रॉ फूड भी खाते हैं और इसको हम कुक करके भी खाते हैं। अनियन भी ऐसे ही है, सैलड में भी खाते हो और वेजिटेबल में कुक करके भी खाते हो। और यहाँ पे ये वेजिटेबल्स हैं बेटा, यहाँ पे ये सारी वेजिटेबल्स होती हैं, इनको हम खाने से पहले इनको कुक करते हैं, इनको पकाते हैं। आप देखिए बच्चे, यहाँ पे आलू हैं, ये पोटैटो हैं, क्या आप इसको ऐसे ही वॉश करके खा सकते हो? हम नहीं खा सकते, है ना? तो जो चीज़ें बेटा हम खाने से पहले पकाते हैं उनको हम बोलते हैं कुक्ड फूड। जैसे ही बेटे यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो भी सारी यहाँ पे वेजिटेबल्स पड़ी हैं, चाहे मशरूम है, कैप्सिकम है, गॉर्ड है, लेडी फिंगर है, आपका पोटैटो है, पम्पकिन है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनको खाने से पहले पकाना पड़ता है, इनको बोलते हैं कुक्ड फूड। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम खाने से पहले पकाने की ज़रूरत नहीं होती, हम उनको बोलते हैं रॉ फूड। इवन आपका फ्रूट भी है, ये भी रॉ फूड है। ठीक है, और अनियन है, टमाटो है, कैरेट है, रेडिश होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये रॉ फूड भी होती हैं, कुक्ड भी होते हैं। क्योंकि हम टमाटो को, अनियन को, इन सब को हम पकाते भी हैं और इनको हम रॉ भी खाते हैं। बच्चे, पोटैटो, राइस, चीज़, बटर, शुगर, यहाँ पे आप इनकी पिक्स देखोगे, ये सारे एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। और एनर्जी गिविंग फूड से हमें क्या मिलती है? काम करने की, खेलने की और सोचने की ताकत, जो हमें एनर्जी देते हैं, उनको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? जो हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। पल्सेस, पीज, मिल्क एंड एग, ये सारे जो होते हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। इनको खाने से हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हम ग्रो करते हैं। हमें अगर अपने आप को, अपनी बॉडी को मसल्स वाला बनाना है तो वी शुड हैव दीज फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं बेटा? जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, अलग अलग तरीके की बीमारियों से लड़ने की जो हमें ताकत देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं बीमारियों से लड़ने में, उनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। और हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से हैं? फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाना चाहिए हमें, वॉश करके खाना चाहिए। और ये जो फ्रूट्स होते हैं इनमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स सब होते हैं, तो ये सब हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। ऐसे ही जैसे फ्रूट्स हमारे लिए रक्षा करते हैं, वैसे ही वेजिटेबल्स भी हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, और ये भी हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स में ही आती हैं।
इनको खाने से हम हमेशा हेल्दी रहते हैं। हमें अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन दोनों को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। इन दिस पिक यू कैन सी देर आर मैनी फूड आइटम्स विच आर कॉल्ड एज जंक फूड, लाइक यू कैन सी पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, नूडल्स, चिप्स, स्प्रिंग रोल्स, गोलगप्पास, ऑल आर देयर, बट दिस जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर आर हेल्थ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है और इनको बनाने के लिए ऑयल भी बहुत यूज़ करते हैं, इनमें शुगर भी होती है। नमक, ऑयल, शुगर, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होती। हमें भी बेटा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, वी शुड अवॉइड इट। अगर हमने हेल्दी रहना है तो हमें जंक फूड अपने खाने में नहीं लेना है। तो बच्चे चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग पार्ट। हम करेंगे लेसन 4 आर फूड, इसकी रीडिंग करेंगे एंड विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। पहले है फूड इज़ आर बेसिक नीड, इट हेल्प्स अस टू लिव, इट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट। फूड हमारी बेसिक नीड होता है, फूड हमें ज़िंदा रखता है, हमें फिट रहना है, हेल्दी रहना है तो हमें फूड लेना होगा। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से हमें अलग अलग तरीके का फूड मिलता है। प्लांट्स गिव अस डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, दे गिव अस सीरियल्स लाइक वीट, राइस एंड मेज। प्लांट्स से हमें वीट अनाज, राइस चावल, मेज मक्का, ये सब मिलता है। दे गिव अस पल्सेस लाइक मूंग एंड ग्राम, हमें चना, मूंग, ये भी प्लांट से मिलता है। दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और हमारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 19, वी आल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है। एनिमल्स गिव अस फूड लाइक मीट, एग, फिश, मिल्क एंड हनी। एनिमल्स से हमें मीट, एग, फिश, मिल्क, शहद, ये सब मिलता है। डू यू नो वी मेक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम मिल्क, हम मिल्क से अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। पीपल हु ईट वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स ओनली आर कॉल्ड वेजिटेरियन, जो लोग सब्जी, दाल, फ्रूट्स ये सब खाते हैं उनको हम बोलते हैं वेजिटेरियन। पीपल हु ईट मीट, फिश एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, और जो लोग मांस, मछली, अंडा खाते हैं हम उनको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। अब बात करेंगे बेटा हम काइंड्स ऑफ फूड, किस तरह का फूड होता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, फूड अलग अलग तरीके का होता है। राइस, पोटैटोज, बटर, चीज़ एंड शुगर आर एनर्जी गिविंग फूड्स, दे गिव अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड थिंक। हमें कोई भी एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, खेलने के लिए, हमें सोचने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी हमें एनर्जी गिविंग फूड से मिलती है। एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं? राइस, पोटैटो, बटर, चीज़ एंड शुगर। पल्सेस, पीज, मिल्क एंड एग आर बॉडी बिल्डिंग फूड, दीज फूड हेल्प अस टू ग्रो, दे बिल्ड अप आर बोन्स एंड मसल्स। पल्सेस, दालें, मटर, दूध, अंडे, ये सारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं जिनसे हम ग्रो करते हैं, और बॉडी बिल्डिंग फूड से हमारी बोन्स और हमारी मसल्स बनती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड, दे हेल्प अस टू बी हेल्दी, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी पड़ेंगी क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फूड है। डू यू नो फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, एप्पल एंड बनाना आर ईटन रॉ, वेजिटेबल्स लाइक कैरेट एंड रेडिश कैन बी ईटन रॉ। कई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे ऑरेंज, एप्पल, बनाना, इनको हम वॉश करते हैं और खा लेते हैं। और ऐसे ही कई वेजिटेबल्स ऐसी हैं जैसे कैरेट, मूली, गाजर और सारी ये चीज़ें जो होती हैं इनको हम कच्चा खा सकते हैं। सम फूड्स लाइक राइस, पल्सेस एंड ब्रिंजल्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, और कुछ खाना ऐसा होता है
जिसको खाने से पहले पकाने की ज़रूरत होती है, जैसे चावल, दाल, बैंगन आदि। जंक फूड, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स एंड सैंडविच आर कॉल्ड जंक फूड। जंक फूड क्या होता है? नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, सैंडविच, ये सारे जंक फूड है। दिस फूड इज़ नॉट गुड फॉर आर हेल्थ। डू यू नो वाई? ये फूड जो होता है हमारी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑयली एंड कंटेन्स अ लॉट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। क्योंकि इस वाले फूड में बहुत ज़्यादा चीनी होती है, नमक होता है और तेल होता है। टू मच शुगर, सॉल्ट और ऑयल इज़ बैड फॉर आर हेल्थ। ज़्यादा चीनी खाना, तेल खाना हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता। तो ये था बेटा हमारा आज का रीडिंग पार्ट। हमारा जितना पार्ट रह गया है, आगे का जो पार्ट रह गया है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर। दिस इज़ योर एडवाइजरी वर्क फॉर लेसन 4। आपको न्यू वर्ड्स जो मैम ने वीडियो लेसन में बताए हैं उनको अपनी EVS नोटबुक में लिखना है और बच्चे पेज नंबर 18, 19 एंड 20 इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या होती है मैम अब उसके बारे में बताएंगे। हर साल 3 मई को सारी दुनिया के लोग सोलर एनर्जी डे सेलिब्रेट करते हैं। एवरी ईयर ऑन 3 मई सोलर एनर्जी डे इज़ सेलिब्रेटेड। अब आप पूछोगे कि सोलर एनर्जी होता क्या है? द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सूरज से, सन से हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है बच्चे, सन से जो एनर्जी मिलेगी हम उसको बोलेंगे सोलर एनर्जी। इसका एक एग्जांपल हम हर रोज़ की लाइफ में देखते भी हैं। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए, इस लाइव एग्जांपल में मोपिंग हो रही है, ठीक है, पोछा लग रहा है, सन की हीट में हो रहा है ये सब। और जैसे जैसे मोप चलता जा रहा है, पोछा लगता जा रहा है, पीछे वाला जो सरफेस है वो सूखता जा रहा है, जल्दी जल्दी सूख रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सूरज की हीट पड़ रही है, सन की हीट पड़ रही है, जिससे ये सूख रहा है। ऐसे ही गर्मियों में हम कपड़े डालते हैं, वॉशिंग के बाद सूखने के लिए कपड़े डालते हैं, तो वो भी बड़ी जल्दी से सूख जाते हैं। वो कैसे सूखते हैं? सन की हीट से। ठीक है बच्चे, तो बच्चे दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड टू मोटिवेट द पीपल टू यूज़ सोलर एनर्जी सो दैट वी कैन मेक आर अर्थ पॉल्यूशन फ्री। हम इस दिन को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सके सोलर एनर्जी के लिए और अपनी अर्थ को हम पॉल्यूशन से फ्री कर सकें।